Welcome all of you to today's live. We are going to talk something on positive parenting. I am Rinku Jain, the co-founder of Aspirations Institute, and we have Amitabh Karmakar with us, who is a renowned psychologist from Mumbai, and he will be speaking something on positive parenting. Over to you, Amitabh sir. Thank you so much. Namaste. Kaise hai sab log aap? I hope aapki life kafi achhi beet rahi hogi. Aapke parent and child relationship bhi kafi strong ho rahe honge. So I am kind of taking a pledge of converting or transforming 1 crore people's life in next 10 years. To usme aap logo ka bhi kafi madad ki zarurat hogi ki aap log bhi kafi logo ke life transform karenge, apne khud ke life transform karenge, aapke children jo hai unke life bhi transform karenge. काफी सारे मैं केसेस यहाँ पे देख रहा हूँ जहाँ पे मोबाइल एडिक्शन, बच्चा बात नहीं सुनता, लिखना नहीं चाहता, पढ़ाई लिखाई नहीं है, फिजिकल इलनेस, मेंटल इलनेस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, राइट? तो सारे के सारे आईक्यू के पीछे लगे हुए हैं. अगर हम लोग बोलेंगे कि बच्चा डिप्रेस्ड है या कहीं ना कहीं लो फील कर रहा है, तो उसके मेंटल, उसके इमोशनल हेल्थ पे हम लोग ध्यान दे ही नहीं रहे. क्या ये चीज आपके साथ भी हो रहा है कहीं ना कहीं, राइट? तो एक बार आप सोचिए कि अगर हम लोग पढ़ाई में इतना प्रेशर डाल देते हैं बच्चों को कि सेवेंथ के क्लास स्टैंडर्ड सेवन के एनुअल एग्जाम में या फिर यूनिट टेस्ट में 1-5 मार्क्स कम आ गए तो पता नहीं क्या हो जाता है, राइट? एक बार आप थोड़ा सोचिए, आपके जो है सेवेंथ स्टैंडर्ड में, आपका खुद का सेवेंथ स्टैंडर्ड में, मैं अगर आपको पूछूं कि हिस्ट्री में कितना मिला था आपको, यू विल से आई डोंट रिमेम्बर. बट सोचो आपने कितना टेंशन लिया होगा उस टाइम पे, है ना? तो जो 65 या 68 या 86 उसका कुछ आज के डेट में वैल्यू नहीं है हिस्ट्री के मार्क्स के. लाइक वाइज आप इतना प्रेशर आप बच्चों में क्यों डाल रहे हो इफ यू आर काइंड ऑफ पुटिंग इन दैट मच ऑफ प्रेशर, राइट? इंस्टेड आप ये कीजिए, एक चीज कर सकते हैं आप कि उसके मेंटल हेल्थ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा. ओके, अगर वो मेंटली पीस है, साउंड है, एक्टिव है, स्विच्ड ऑन है, तो इन दैट केस उसके पर्सनल लाइफ, उसके प्रोफेशनल लाइफ, उसके एजुकेशनल लाइफ, उसके स्टडी लाइफ, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर. कैसे हम लोग बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाए ना कि डिपेंडेंट बनाए, है ना? ये सारी बातें हम लोग आज करेंगे, बहुत ही डिटेल में करेंगे. तो थोड़ा सा एलैबोरेशन में जाते हैं हम लोग कि आपके बच्चों को इंडिपेंडेंट कैसे बनाए, राइट? बहुत टाइम पे होता है, आई हैव काइंड ऑफ कंडक्टेड वन सेमिनार यस्टरडे इन कोलकाता. तो वहां पर मैंने देखा है बहुत सारे, मैंने कुछ भी क्वेश्चन पूछा बच्चे को तो इन बाजू में से मम्मी या फिर डैडी बोलते हैं, बोल बता से. ये बोल बोल के आप उसके क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी काफी हद तक कम कर रहे हैं आप, राइट? तो अगर मैं और बच्चे कन्वर्स कर रहे हैं या फिर आपके बच्चे किसके साथ कन्वर्स कर रहे हैं, उनका खुद का दिमाग चलने दीजिए. उनको आंसर मत बताइए, बेटा ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो. इनसेट आप एक चीज कर सकते हैं कि ये टाइम पे क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, इस चीज को करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है. एग्जांपल, लेट्स से पढ़ाई में, ओके बेटा ऐसा क्या किया जाए कि आपको पढ़ाई में अच्छे खासे मन लगे. ऐसा क्या किया जाए कि जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हो या फिर कॉम्पिटेटिव गेम्स खेल रहे हो, उस गेम्स पे आप फर्स्ट आ जाए. ऐसा कुछ हम लोग गेम खेल सकते हैं जहां पे हम लोग का कॉग्निटिव एबिलिटी, सम क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग का अच्छा खासा बढ़ सकता है. कैन वी प्ले सम गेम्स? कैन वी नेम दोस गेम्स? बेटा आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, क्या क्या चीज आप नेचुरली अच्छे हो, व्हाट ऑल थिंग्स यू आर नेचुरली गुड एट. लेट्स आपका बच्चा 15-16 ईयर्स का है और आप ऑफिस में कुछ काम फंस गए, तो घर पे उसका टेंशन आप लेके आओगे ऑब्वियसली, या फिर बिजनेस में कुछ चीजों पे अटक गए. क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि बेटा ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, कैन वी टुगेदर सॉल्व इट और कैन यू गिव सम रेजोल्यूशन? क्या हम लोग कर सकते हैं? जस्ट गिव इट अ ट्राई. बच्चे बहुत ही स्मार्ट होते हैं आजकल के बच्चे, जैसे आपको ऑलरेडी पता है, एंड मोस्ट टाइम्स हम लोग उसके यूज ही नहीं करते, हम लोग अपनी चीजें उनके ऊपर थोप देते हैं, राइट? So in that case, what you can do is, do not tell the answer कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करो, वो करो. No. बेटा आप एक काम कीजिए, इस चीज का एक सोल्यूशन प्रेजेंटेशन बना के लेके आइए. एग्जाम्पल, लेट्स से कुछ पॉलिटिक्स में कुछ उनको इंटरेस्ट होने चाहिए, इंडियन इकोनॉमी में क्या होना चाहिए उनको इंटरेस्ट होनी चाहिए,
राइट जो भी आपके फॉर एग्जांपल पेट्रोल का प्राइस काफी बढ़ गया, अभी थोड़ा फिर से कम हो गया, स्टिल इट इज हाई, राइट, उनके लाइफ में कितना फर्क पड़ रहा है, वो उनको सेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा सा फाइनेंस उनको सिखाइए. एग्जाम्पल लेट्स से उनको पॉकेट मनी मिलते हैं 200 रुपीज पर मंथ, एग्जाम्पल उनको एक चीज खरीदनी है लेट्स से 2000 रुपीज का, ओके, तो 200-200 करके बचाएगा 10 महीने तक, तब जाके 2000 बनेंगे, फिर वो ले सकता है, ओके, और फिर उनको आप इंसेंटिव भी दे सकते हैं, एज इन कि बेटा अगर आप ये अच्छा काम करोगे तो आपके 200 में और 200 ऐड हो जाएगा उसी मंथ में, और कुछ अच्छा काम करोगे ऐड हो जाएगा. क्या हम लोग स्कोरबोर्ड कर सकते हैं? स्कोरबोर्ड आप थोड़ा सा देखेंगे, जब भी बच्चे ऐसे नॉर्मली खेल रहे होते हैं तो कोई सीरियसली उतना खेलता ही नहीं है, थोड़ा एफर्ट नहीं डालता, बट जैसे ग्राउंड पे स्कोरबोर्ड लगे होते हैं, जैसे स्पेक्टेटर्स देखने के लिए आते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं. लाइकवाइज कैन वी क्रिएट सम स्कोरबोर्ड कि यहाँ पे इतने, यहाँ पे इतने, यहाँ पे इतने, विल डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स एंड वेल एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो लेट्स सी, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदा हो, एंड प्लीज ट्राई एंड इम्प्लीमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ एजेस. आपके जो बच्चे का टैलेंट है, जो आपके पोटेंशियल है, उनको आप आंसर देने के लिए बोलिए, उनसे क्वेश्चन पूछिए. और एक स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि अगर कोई बच्चे को, बच्चे का टेंटेटिवली 75 क्वेश्चंस का आंसर दिन में दे दिया गया, तो बच्चा आगे जाकर काफी अच्छा करता है, उनके मेंटल स्पीच काफी बना रहता है, ही टेक्स अ गुड केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिलीज, राइट. सो 70 to 75 questions का आपने आंसर दे दिया, दैट मीन्स यू हैव डन अ ग्रेट पेरेंटिंग. और अगर आपने ये बोल दिया गलती से कि गूगल में देख ले, सुन ले, पढ़ ले, देख ले, मुझे नहीं आता, ये नहीं आता, सो नेक्स्ट टाइम आपसे पूछेगा नहीं. दैट विल क्रिएट द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड. सो यहाँ से पेरेंट चाइल्ड के जो ट्रांजेक्शन है डिटोरिएट होना स्टार्ट होता है. वो गलत जगह जा सकता है, सही जगह भी जा सकता है. सही जगह गया तो ठीक है, मेजोरिटी टाइम पे सही जगह मिलता नहीं है, पेरेंट्स से बेटर जगह कोई है ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है बच्चे के लिए. तो गलत जगह जाएगा, गलत इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, गलत साइट खोलेगा, गलत वेबसाइट खोलेगा, और भी बहुत चीजें करेगा, राइट. सो प्लीज उनके ऐसा सीसीटीवी कैमरा बनने की जरूरत नहीं है, बट प्लीज 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 कीप अ ट्रैक ऑफ इट एंड यू आई एम श्योर यू विल हैव अ वेरी गुड पॉजिटिव पेरेंटिंग एंड एक्सेलेंट लाइफ. अंजी, thank you so much sir, and yes, parents do have a lot of queries regarding their child's health issues. Hai padhai ko lekar hai, handwriting nahi likh raha hai, aise bahut sare issues hain jo bachchon ke sath matlab parents face karte hain, aur corona ke baad to bahut zyada ye problem increase ho gayi hai. To bas hum ye janna chahenge ki jaise bachcha likhna nahi chahta, to ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. बीइंग अ टीचर माई सेल्फ और हमारे इंस्टीट्यूट में भी हम देखते हैं कि बच्चे लिखना नहीं चाहते, तो उसके लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है? हम उनको कैसे मोटिवेट करें कि वो लिखें और मतलब अपनी पढ़ाई के साथ जुड़े किसी तरह से? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी नाइस क्वेश्चन. लिखना नहीं चाहता, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, लिखने के लिए आपकी ये जो मूवमेंट्स है, ओके, ये यूज होता है. मतलब आपके मोटिवेशन तो लिखने की है, बट ये जो फाइन किनेस्थेटिक मतलब छोटे छोटे जो मसल्स होते हैं, रिस्ट मूवमेंट, जैसे आपके फिंगर मूवमेंट्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, ये जो चीजें, तो ये अगर आपका मूवमेंट्स ठीक ठाक है तो आइडियली लिखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट. तो पहले आप क्रॉस चेक कीजिए जो ये मूवमेंट जो है ये बाकी सारी चीजों में कैसा है बच्चा. मतलब छोटे छोटे चीजों उठाने के लिए क्या गिरा जाता है कि उसमें जो फाइन मोटर स्किल्स जो है, फाइन किनेस्थेटिक जो है, वो काम करने के लिए जो जो चीजें रेस्पॉन्सिबल है ये दोनों, उसमें क्या अच्छा है? खाली लिखना ही नहीं चाहता या फिर बाकी सारी चीजों में उनका प्रॉब्लम है, ओके? जैसे कि कोई स्पून से लेके चीजें उठाना, कोई खिलौने उठाना, कहीं पे गिरा देना, कैच करना, थोड़ा सा ये मूवमेंट जो है कितना फ्लेक्सिबल है, कितना एक्सप्रेसिव है, एक बार आप प्लीज चेक कीजिए. दो कंडीशन मान लेते हैं कि सब जगह पे सही है, तो कहीं ना कहीं आपके जो राइटिंग प्रैक्टिस है बचपन से ऐसे है कि अभी जाके ऐसा डेवलप हुआ है? बचपन से आपने लिखना उनको प्रैक्टिस या एक्सपोजर नहीं दिया, या फिर अभी, या मतलब बचपन से दिया अभी, या फिर अभी नहीं लिख रहा है, बचपन से लिखता था अभी ये नहीं लिख रहा है? तो एक बार आप चेक कीजिए. अगर सारे प्रॉपर है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो उनके फेवरेट काम है, फॉर एग्जाम्पल मुझे टीवी देखना है, मुझे टॉयज चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उनको आप उनको बोलिए कि आप लिख के दीजिए.
तो जहां जहां पे उनका मोटिवेशन ठीक ठाक है, टीवी तो मुझे देखना ही है, टॉयस तो मेरे को खेलना ही है, घूमने मुझे जाना है, खेलने मुझे जाना है, प्ले एज है, राइट। तो उस केस में उनका बोले लिखने के, लिख के देने के लिए, तो उस हिसाब से जैसे जैसे आप ज्यादा प्रैक्टिस करके लिखने के लिए बोलोगे तो लिखेगा वो, ओके। बट ऑन द कॉन्ट्ररी कहीं ना कहीं उनके बाकी चीजों में उनका आपको नोटिस करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बाकी चीजों में अगर ये मोमेंट जो है वो स्विफ्ट नहीं है, कुछ भी पकड़ने जाता है फिर गिरा देता है, कुछ उनको प्रॉपर लैंडिंग नहीं होता, कुछ स्पून पकड़ने जाता तो कुछ भी नहीं खा पाता, यहाँ पे खाने जाता तो यहाँ पे निकल जाता है, ऐसा कुछ अगर है तो डेफिनेटली फाइन ग्रेनाइटिस का मेडिकल इश्यू है। सो गेट इट चेक्ड विद डॉक्टर, अदरवाइज आई डोंट सी एनी चैलेंजेस। अगर मोटिवेशन का इश्यू है तो उनके जो काम अच्छे हैं उनसे मोटिवेशन को रिलेट कर दीजिए एंड आई होप थिंग्स विल बी फाइन। सर क्या बता सकते हैं कि बच्चों को कैसे मोटिवेट करें? लाइक मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वी सी दे आर नॉट हैविंग एनी इश्यू विद द काइनेस्थेटिक, या लिखने पकड़ने में कोई इश्यू नहीं है, बाकी काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पर जब हैंडराइटिंग की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं, उन्हें अपने उनके लॉजिक्स होते हैं कि काम ये वाला नहीं करना है, तो उसके लिए हम उन्हें कैसे मोटिवेट करें? जैसा कि मैंने बताया कि उनके जो फेवरेट काम है वो आप उनको बोलिए आप लिख के दीजिए, तब जाके ये होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे टीवी देखना है, सो आई वांट टू वॉच टीवी, ओके। मुझे टॉयज के साथ खेलना है, सो आई वांट टू प्ले विद टॉयज, ओके। मुझे मोबाइल देखना है 2 घंटा, सो आई वांट टू सी द स्क्रीन फॉर 2 आवर्स। तो ये आप स्लोली 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 स्लोली, अच्छा आप ये स्लोली ये नैरेट करके बताएंगे तो आपको मिलेगा, जो जो चीज आपको चाहिए तो देंगे तो वो लिख के देगा, बिकॉज उनको चाहिए, ऑब्वियसली टीवी तो देखना ही है, वहां पे तो कॉम्प्रोमाइज तो करेगा नहीं। स्लोली स्लोली छोटे छोटे करके, 1 sentence, 2 sentence, 3 sentence करके आप ग्रेजुअली उनको बढ़ा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। एंड यर वन मोर क्वेरी, एक और चीज जैसे पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि भाई आजकल बच्चों में गैजेट्स का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब वो मोबाइल हो गया या कंप्यूटर गेम्स हो गए या कोई भी न्यू टेक्नोलॉजिकल, इवन वॉच आ जाती है। कल मैंने देखा था कि टीवी पर एक बॉटल भी है, पानी की बॉटल, इट इज ऑल्सो कम्प्लीटली मोबाइल रिलेटेड, एलेक्सा तो सभी को पता है। तो इन सब से बच्चे इतने ज्यादा अटैच हो गए कि हम उनको एकेडमिक्स या स्पोर्ट्स में नहीं ले जा पा रहे, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? जैसे ये बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेरी होता है कि बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा, वो टीवी देखना नहीं छोड़ रहा और चीजों में वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, सो फॉर दैट व्हाट डू यू सजेस्ट? ओके, ये जो है इस चीज का मैं 2 हिस्सों में आंसर देना चाहूंगा। पहला वाला हिस्सा बीइंग पेरेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू विल एंजॉय। सेकंड वाला जो है बीइंग पेरेंट आपको शायद उतना अच्छा नहीं लगे, ओके, शायद आपको थोड़ा सा बुरा भी लगे, बट नेवर द माइंड, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बैठे हैं, लेट्स सी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले आप ये जो मोबाइल एडिक्शन, बार बार एडिक्शन, गैजेट एडिक्शन, ये जो चीज है, पहले आप ये वैलिडेट कर लीजिए कि एडिक्शन है या नहीं है, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माई चाइल्ड, ही इज 8 ईयर्स ओल्ड, वो कभी 1 घंटा भी टीवी देखता है, कभी 1 घंटा भी मोबाइल देखता है, कभी 1.5 घंटा भी देखता है, कभी 3 घंटा भी देखता है, ओके, डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स को लेकर देखता है। बट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनका एडिक्शन नहीं है, ओके। मोबाइल मेरा पड़ा भी रहेगा तो छुएगा, छू के देखेगा भी नहीं, ओके। अगर कुछ होगा तो उनके क्यूमैथ बोल के ऐप है, जो क्यूमैथ में मैथमेटिक्स होता है, तो ऐप खोल, ओके। आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल इशू विद सर, तो बाय दैट टाइम पेरेंट्स कैन यू प्लीज शेयर योर क्वेरीज सो दैट आई कैन कनेक्ट विद सर अगेन एंड देन वी कैन हैव द क्वेश्चन आंसर सेशन अगेन। देयर इज सम टेक्निकल इशू विद द थिंग्स, कैन यू जस्ट शेयर इट इन कमेंट व्हाट इज योर क्वेरीज और हाउ यू आर फाइंडिंग इट, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सॉरी थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से मुझे दूसरे डिवाइस से जॉइन करना पड़ा, तो ओके। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि मोबाइल एडिक्शन आप एक बार देख लीजिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गेट दिस वैलिडेटेड कि मोबाइल एडिक्शन है या नहीं है, मतलब 1 घंटा करता है, 2 घंटा करता है, 3 घंटा करता है, कि मोबाइल के छोड़ता ही नहीं है, फर्स्ट टू गेट दिस वैलिडेटेड, ओके। मोबाइल देखना बुरी बात नहीं है, ओके, अगर मोबाइल बहुत ही बुरी चीज होता, कब का ऑब्सोलेट हो चुका होता, कुछ काम का वहां पे नहीं होता, राइट, तो वो बुरी बात नहीं है। मोबाइल कैन गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान देना है कि मोबाइल में आपका बच्चा ब्राउज क्या कर रहा है, ओके। अगर आपको बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है कि अगर आपका बच्चा मोबाइल पे ब्राउज ये कर रहा है
कुछ फाउल कंटेंट ब्राउज कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनके एक्सप्रेशन, उनके बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होंगे. ओके, अगर कोई बच्चा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होके रिलेशनशिप में जाता है कम एज में, जहां पे उसको नहीं जानी चाहिए फॉर द टाइम बीइंग, उनके बॉडी लैंग्वेज, उसके हाव भाव, उसके चाल ढाल सब कुछ डिफरेंट होंगे. लाइक वाइज अगर फाउल कॉन्टेंट कुछ अगर देख रहा है तो उसके अलग होंगे. ओके, सो इन दैट केस वॉट डू यू डू, फर्स्ट यू गेट दिस वैलिडेटेड की एडिक्शन है या नहीं. ओके, बहुत एकदम मोबाइल छोड़ के रह ही नहीं सकता, बातों में भी लेके जा रहा है, हर टाइम पे मोबाइल पे ऑन है, छीन लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हर जगह पे पासवर्ड देके रखता है. फर्स्ट यू गेट दिस वैलिडेटेड, बहुत हर जगह पे पासवर्ड देके रखा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसा कॉन्टेंट है, कुछ भी दिखाना नहीं चाहता, मतलब सीरियस कंडीशन है ये. ओके, यू हैव टू वेरी वेरी सीरियस. और अगर ऐसा मोबाइल रखा हुआ कि कोई भी देखता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको वरी करने की जरूरत नहीं. ओके, ऐसा कौन सा फोटो होगा जो पासवर्ड देके रखेगा, आप बताइए. इधर उनका अफेयर चल रहा होगा जो उनको दिखाना नहीं है, या फिर ऐसा कुछ फाउल कॉन्टेंट होंगे जो दिखा नहीं सकते, राइट. हर जगह पासवर्ड, मतलब हर फोल्डर में पासवर्ड देंगे, व्हाट्सएप में पासवर्ड, गैलरी में पासवर्ड, फेसबुक में पासवर्ड, इतना क्या प्राइवेसी आपका, राइट. फर्स्ट यू गेट दिस वैलिडेटेड, फर्स्ट थिंग फर्स्ट. सेकेंडली, इसके बावजूद भी अगर आपका बच्चा 3 घंटा 4 घंटा 2 घंटा देखता है, आपको कंटेंट देखना पड़ेगा कि क्या क्या वो देख रहे हैं. ओके, अभी आप बोलोगे डिलीट कर देता होगा, तो अगर डिलीट कर देता होगा कहीं ना कहीं, इसका मतलब आप में और आपके बच्चे में बहुत ज्यादा गैप है, आपका बच्चा आपको शेयर नहीं करता है. ओके, तो आप ऐसा होम एनवायरमेंट क्रिएट कीजिए जहां पे आपके बच्चे आपको शेयर करेंगे. ओके, आइडियली ये होना चाहिए कि अगर मर्डर भी करके आए तो भी उनको शेयर करना चाहिए, मैंने आज मर्डर करके आया, आप देख लेना पुलिस वुलिस कैसे होगा. तो यू मस्ट गिव दैट लिबर्टी, दैट एनवायरमेंट, दैट इजीनेस टू योर चाइल्ड. ओके, अभी रही बात यहाँ पे आने की, तो आप उनको ड्रीम पूछिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि बता बेटा आपका ड्रीम क्या है, क्या बनना है आपको. ओके, मान लो कि वो बोलते हैं कि मुझे एग्जाम्पल मोटिवेशनल स्पीकर बनना है. ओके, तो फिर उनका बोले कि आप इंटरनेट ब्राउज कीजिए, आप मोबाइल ब्राउज कीजिए, बट मुझे एक चीज लिख के आके बताइए, मुझे आके प्रेजेंट कीजिए कि मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी है, या थोड़ा सा नेट पे देख के लिख के आएगा, वो अब लिख के आएगा, बिकॉज वो उनका मोटिवेशन अंदर से आता है वो चीज. ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी को डॉक्टर बनना, किसी को इंजीनियर बनना, किसी को यूट्यूबर बनना, तो अच्छे यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं. ओके, ये उनका मोबाइल से ही देख के उनको आप होमवर्क करने के लिए लेके आके बोलिए, फिर उसका प्रॉपरली एनालिसिस कीजिए. ओके, तो मोबाइल देखना कोई भी बुरी बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा देखना, बट कंटेंट क्या देख रहे हैं उस पर इम्पोर्टेंट होता है. ओके, थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली वो देखेगा, लेट्स से थोड़ा बहुत ह्यूमरस, थोड़ा सा जोक, थोड़ा सा रील, वो तो देखेगा ही देखेगा, आप भी देखते हो, राइट. तो मोबाइल स्क्रीनिंग टाइम जो है उस पर ध्यान नहीं देखे, आप कॉन्टेंट पे ध्यान दीजिए क्या देख रहे हैं. और अगर आपका कॉन्टेंट शेयर करने को रेडी नहीं है तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो गलत कंटेंट वो देख रहे हैं. ओके, तो इट्स अ वेरी डेंजरस साइन, तो वहीं पे आप वहां पे पकड़ सकते हो उनको, कि बेटा उनको आप जलील मत कीजिए, उनको आप डांटिए मत, इंसल्ट मत कीजिए, उनको आप प्यार से बोल सकते हैं कि बेटा हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस है आप लोगों से, तो इस एज में ये होता है, इट इज क्वाइट नॉर्मल फॉर यू, बट ये आपको आने वाले टाइम में कुछ नहीं देगा. कपिल शर्मा शो आने वाले टाइम में कुछ नहीं देगा आपको. ओके, फाउल कंटेंट देख के, उल्टे सुलटे जोक्स देख के, उल्टे सुलटे कामकाज करके कुछ मिलने वाला नहीं. ओके, नोबडी विल लुक इनटू योर लाइफ एंड नोबडी इज बॉदर्ड. यस सर, इस केस में कर सकते हैं, इस केस में आप एक चीज कर सकते हैं जहां पे उनको आप बोले आप प्लीज शेयर कीजिए, अगर आपके ये टाइम पे होता है, एडोलेसेंस एज में अगर है कुछ ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन होता है, इट इज क्वाइट नॉर्मल, मेक इट वेरी नॉर्मल एंड मेक इट वेरी इजी एंड देन यू कैन टेक इट थ्रू. अभी मैं आता हूँ रिंकू जी, बिफोर दैट मैं आता हूँ कि दूसरे भाग का, मोबाइल एडिक्शन का. सबसे पहले मैं पेरेंट्स को बोलूंगा कि आपको मोबाइल एडिक्शन है, पेरेंट्स में आपसे बात करा, अभी बच्चों को हम लोगों ने हटा दिया. ओके, आप कितना टाइम मोबाइल देखते हो. ओके, आप कितना पढ़ाई करते हो आज की डेट में, आप कितने कितने अपने इंटेलेक्चुअल पे इन्वेस्ट करते हो. ओके, अगर घर का एनवायरमेंट आपका, आप खुद ही 3 बार मोबाइल लेके बैठते हो, हर टाइम में मोबाइल देखते हो, या हमारे क्या क्या आजकल आ गया है, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम और भी पता नहीं क्या क्या, जो हर बार आप सीरीज देखने लगते हो, हाउ डू एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू स्टडी, हाउ डू एक्सपेक्ट, राइट. तो पहले हम लोग अपने आप पे काम करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग चाइल्ड को बता पाएंगे. पहले हम लोग खुद को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि बेटा हम लोग ये करते हैं, हमारे घर में एजुकेशन का माहौल है. ओके, मोबाइल ब्राउज कीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मोबाइल में आप क्या दिखा रहे हो,
आर यू शोइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव टू योर चाइल्ड? नहीं. तो अगर आपके घर में ही इतना ज्यादा मोबाइल का एडिक्शन है, डैडी मम्मी मोबाइल लेके बैठे हुए घंटों पे घंटा, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे बच्चे अच्छे करेंगे, तो थोड़ा सा इनजस्टिस है ना बच्चों पे. राइट सर, बट यस, हियर वी हैव दैट पूजा इज आस्किंग फॉर हिज हर 10-year-old सन, एंड इवन पल्लवी इज आस्किंग की हैंडराइटिंग इज द मेन इश्यू सर अभी. मतलब हम आपने जवाब दिया है, नो डाउट इन दैट, बट स्टिल इफ यू कुड मोर एलैबोरेट लाइक हाउ प्रैक्टिकली वी कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स द चिल्ड्रन टू राइट एंड ऑल्सो टू फोकस ऑन देयर एकेडमिक्स. ठीक है, अभी जैसे इधर उधर ध्यान भटकता है, तो आप पहले मतलब ये रीजन बताइए कि क्यों बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं. एक तो आपने बताया कि उनके प्रॉब्लम होगा काइनेस्थेटिक, मान लीजिए वो प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या रीजन हो सकता है कि बच्चे लिखना नहीं चाहते? बिकॉज दे हैव बिकम मोर ऑफ टेक्निकल सेवी और देयर आर सम अदर रीजंस. दिस इज द क्वेरी फ्रॉम पल्लवी एंड पूजा, सो इफ यू कुड आंसर इट. ओके, सो फर्स्ट थिंग आपको ये देखना है कि उनके पीछे कुछ, लिखने के पीछे कुछ मोटिवेशन है. आपको जो पढ़ाने का तरीका, आपको जो लिखाने का तरीका, उसके पहले का कुछ मोटिवेशन है, कुछ इंटरेस्टिंग है लिखने में, कुछ आपको मजा आ रहा है, कैन यू क्रिएट सम क्रिएटिविटी टू इट इन लिखना, या फिर वही मोनोटास लिखो 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 लिखो, 100 अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा. कैन यू क्रिएट सम क्रिएटिविटी, कैन यू क्रिएट सम मोटिवेशन? बच्चे आजकल के डेट में अगर वही पॉइंट को लेकर हम लोग देखते हैं तो काफी लेजी हो चुके, हाथ नहीं फैलाना चाहते. कुछ कुछ पर्सनैलिटी ऐसी काफी लेजी है, क्या होगा करके. ओके, तो घर में आपके वाइब्स कैसे हैं, आप खुद कितना लिखते हैं, क्या हम लोग दोनों साथ में लिख सकते हैं? आई डू इट, आई मेक माई मॉम डू इट. माई मॉम इज 57 ईयर्स ओल्ड, मेरा बेटा 8 साल के, दोनों एक साथ लिखते हैं, मेरे डैड लिखते हैं. आप थोड़ा सा एफर्ट डाल सकते हैं बिना कुछ, मतलब थोड़ा सा कम ज्ञान दे के, ये करो वो करो, लिखो 5 marks मिलेंगे एक्स्ट्रा हैंड राइटिंग के. आपने खुद ना कितना एफर्ट लिया है, राइट? Whatever you will demonstrate to your child, the child will follow. आपके लाइफ में जो जो चीज बीता हुआ है, आपके लाइफ में जो जो चीज किया है आपने, सारा आपका चाइल्ड गो थ्रू करेगा, right? So what are things you are demonstrating? Very very important part. आप अगर अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, खाली ज्ञान देकर नहीं होने वाला. प्लीज अंडरस्टैंड ऑल लवली पेरेंट्स, ये करो वो करो, आपने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, आपने क्या दिखाया अपने बच्चों को? ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे जो पल्लवी जी एंड पूजा जी आपके जो बातों से लग रहा है, कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, वो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है बच्चों को, कहीं ना कहीं वो लेजी फील कर रहे हैं. गैजेट से बहुत इजी है. ओके, लिखने का फायदा मैं बताता हूँ आपके बच्चों को, बताइए आप. ये जो मूवमेंट्स है, ये यहाँ पे प्रेशर डालोगे तो एक्यूप्रेशर मूवमेंट है. ये मूवमेंट पे आपके ब्रेन काफी स्विच ऑन होते हैं. ज्यादा टेक्निकल गैजेट, ज्यादा गेम, ज्यादा अलतू फालतू के गेम, अलतू फालतू के रील्स ऐसे स्क्रॉल करते जाओ, उसमें ज्यादा कुछ आपके जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो कम हो जाता है, एनालिटिकल थिंकिंग खत्म हो जाता है. तो ये लिखने का फायदा बड़ा ये है कि आपके ब्रेन हमेशा स्विच ऑन रहेंगे, यू विल बी अलर्ट, यू विल बी अवेक. ओके, और उस बात पे आप काफी बेटर फील करोगे, बेटर सॉल्यूशन दे पाओगे, बेटर चीजें कर पाओगे लाइफ, व्हिच यू कैन प्राउड ऑफ. ये 3 घंटा मोबाइल देके ऐसा स्क्रॉल करके कोई एक जोक पे हंस दिया, रील कर दिया, इसमें कुछ बहादुरी नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है इसमें. सो वंस यू राइट, यू टेंड टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू. ओके, ये जो मोमेंट है इसमें है. अगर काफी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप स्पेसिफिकली मुझे वन ऑन वन बात कर सकते हैं. सो बिना मतलब जस्ट यू नो इतना ही इन्फॉर्मेशन में इतना ही बता सकता हूँ मैं, अदरवाइज फर्स्ट लाइन चीजें आप लोग कर सकते हैं. द नेक्स्ट इश्यू व्हाट पेरेंट्स फेस, जो मेरे साथ काफी पेरेंट्स डिस्कस करते हैं, इज एग्रेशन, गुस्सा. बच्चा बात नहीं सुन रहा है और बहुत जल्दी गुस्सा हो रहा है, और लाइक ही इज टू एग्रेसिव इन एवरीथिंग. चिल्लाना, चीजें फेंकना, इससे पेरेंट्स को बहुत, इससे कंसर्न होते हैं पेरेंट्स. तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाउ, व्हाट इज द सॉल्यूशन, और व्हाट डू यू थिंक आर द कॉजेस फॉर दिस? दिस इज आल्सो क्वेरी ऑफ मेनी पेरेंट्स कि एग्रेशन, गुस्सा बहुत आता है बच्चों को. तो सबसे पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर कोई बच्चे को गुस्सा आता है तो एक दिन में नहीं आया हुआ है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. ओके, अब थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए. अभी अगेन मुझे पेरेंट्स पे आना पड़ेगा, बट मैं थोड़ा सा बात में आऊंगा, पहले चाइल्ड पे बात करते हैं. ओके, अगर कोई नेचुरली एग्रेसिव है, नेचुरली गुस्से वाला है, तो उनको गुस्सा आएगा. जस्ट लाइक इफ आई कैन गिव द एग्जांपल, जिराफ वर्सेस टाइगर. टाइगर नेचुरली एग्रेसिव है, वो ऐसे बैठा भी रहेगा, वो ग्रेस, वो जो स्टाइल है, वो बाय डिफॉल्ट एग्रेसिव लगेगा, नेचर में ही है.
नहीं चेंज कर सकते कोई किसी का नेचर। जिराफ इतना बड़ा है, इतने टॉल है, बहुत बड़े साइज के, फिर भी शांत टाइप के दिखते हैं। हाथी इतने बड़े हैं, फिर भी शांत दिखते हैं। बट वही अगर लेपर्ड, लायन, टाइगर बहुत ही अग्रेसिव दिखते हैं। ओके, तो कुछ कुछ होता है आपके नेचुरली समबडी इज वेरी अग्रेसिव। ओके, तो उनका जो एग्रेशन है उनको कम नहीं करके उनको चैनलाइज अप कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे देके। एग्रेशन, एंगर, ये नथिंग बट द एनर्जी। एक बार आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब भी कोई आदमी गुस्से में होता है तो उनकी एनर्जी कम होता है कि ज्यादा होता है? ज्यादा होता है ऑब्वियसली, राइट? तो उस एनर्जी को आप चैनलाइज कैसे कर सकते हैं? दैट इज कॉल्ड इन साइकोलॉजी लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, कन्वर्टिंग योर एंगर इनटू रेजोल्यूशन। ओके, तो उस गुस्से में आप ये उनको बोल सकते हैं कि आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, बट ये गुस्से को आप कुछ कंस्ट्रक्टिव वे में लेके जा सकते हैं। एज इन रतन टाटा का मैं अगर एग्जाम्पल दू, जब वो फोर्ड कंपनी जो है, फोर्ड कंपनी को अपना जो टाटा मोटर्स बेचने के लिए गए थे, बहुत ही उनको बेइज्जत करके निकाल दिया था यूएस में। तो वही टाटा मोटर्स को उन्होंने आज इतना बड़ा खड़ा कर दिया कि सबसे पहला जो चॉइस है वो टाटा मोटर्स है इंडिया में, एंड बाहर जैगुआर लैंड रोवर का काफी स्केल बढ़ गया। ओके, तो वो जो एंगर है हम लोग क्या चैनलाइज कर सकते हैं? एक होता है नंबर वन में बता टू समरी, एक होता है पैदाशी, बाय नेचर दे आर वेरी अग्रेसिव, उनका कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू चैनलाइज दैट। ओके, और सेकेंड चीज गुस्से का, क्या बहुत ज्यादा टोकते हैं? थोड़ा एक बार देखिए, सोचिए, हर बात पे क्या टोकते हैं? ये नहीं होता, हो रहा तेरे से वो नहीं हो रहा, तेरे से वो नहीं हो रहा। एक टाइम पे उनका जो भी लिमिट है टॉलरेट करने का पूरा क्रॉस कर चुका होगा और आप पे भड़क जाते होंगे। ओके, आपने कितना अपने गुस्से को कंट्रोल किया है बींग पेरेंट? जनरली मम्मी का ये होता है, मम्मी का, पापा ऑफिस जा रहे होते हैं सुबह, उनका खाना चाहिए, उनका टॉवल चाहिए, उनका ये चाहिए, चिल्ड्रन जो उनको स्कूल भेजना उनका भी खाना वाना पैक करके देना होता है। ओके, फिर अगर घर में कुछ एल्डरली पेरेंट्स हो गए तो उनको भी टाइम पे खाना पीना, उनका दवाई ये सब देना पड़ता है। तो जो मम्मी होती है उनका इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी करते करते उनको एकदम सर भारी हो जाता है और उनको लगता है कि भाई एक चिल्लाना ही एक ऑप्शन है, तब जाके ये लोग सुधरेंगे, नहीं तो नहीं सुधरेंगे, राइट? तो क्या वो चिल्लाना इतना ज्यादा हो गया कि आपके बच्चे ने पिकअप कर लिया कि भाई चिल्ला दूंगा तो मेरे से पीछा छोड़ देंगे, मेरे को बोलेंगे नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मोबाइल छोड़ो मोबाइल छोड़ो मोबाइल छोड़ो, इतना परेशानी घर में झमेला, क्या ये चीज है, राइट? तो एग्रेशन कम करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, कैन यू चैनलाइज दिस थिंग्स? क्या आप अपने कंट्रोल को, जो एग्रेशन को जो कंट्रोल कर सकते हैं आप, कैन वी ट्राई एंड डू दैट? क्या आपने आपको बहुत ही शांत दिमाग से अच्छे तरीके से समझा सकते हैं? ओके, अगर हम लोग पर्सनलाइज बैठेंगे तो आई कैन गिव लॉट ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑन दैट पर्सन, बट ओवरऑल आई कैन टेल यू दिस मच ओनली। तो इन शॉर्ट, व्हाट एवर आई एम ट्राइंग टू से, इन शॉर्ट, आपकी जो एग्रेशन है ये एग्रेशन को चैनलाइज कीजिए प्रॉपरली। आप अपना जो पारा है, जो टेम्परेचर है, वो आप थोड़ा सा ठंडा रखिए, थोड़ा सा आराम से आप रहिए, एंड उनको थोड़ा सा एग्रेशन दिखाने दीजिए। ओके, जब भी थोड़ा सा उनका यहाँ पे जो दिल में भरा हुआ है गुस्सा है, बहुत ही ज्यादा ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, मुझे यहाँ पे जाना चाहिए था, कोई कोई बोलते हैं कि मुझे बॉम्बे भेज दो, मैं एक्टर बनकर दिखाऊंगा, आपने जाने नहीं दिया, आपने मेरा करियर खराब कर दिया, फाइन, लेट हिम एम्प्टी हिज हार्ट। जब तक यहाँ पे भरा हुआ चीज बाहर नहीं आएगा, डोंट टेक इट पर्सनली, तूने मुझे क्यों बोल दिया, तूने मुझे ऐसा क्यों कर दिया, ये सब मत बताइए उनको, पूरा जो है अंदर बोलने दीजिए, फिर उस आपकी बात सुनेंगे। ओके, एंड ग्रेजुअली स्लोली स्लोली उनका जो उनका थोड़ा सुन लीजिए आप, क्या हम लोग अपने बच्चे की बात सुनते हैं? आई एम श्योर एक और क्वेश्चन आपको आएगा कि मेरा बेटा बात ही नहीं सुनता, बिल्कुल ही नहीं सुनता। क्या आप अपने बच्चे का बात सुनते हैं? कितना सुनते हैं? क्या आप 70-75 क्वेश्चंस का आंसर देते हैं? जस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ, डोंट आंसर, जस्ट थिंक, कितना आंसर देते हैं आप, कितनी क्यूरियोसिटी, कितने क्वेश्चन आते होंगे, सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं? अगर शेयर नहीं कर रहे तो देयर इज गैप, और अगर शेयर कर रहे हैं आपको पता है फिर भी आप आंसर नहीं दे रहे, तो गॉड ब्लेस यू। और एक और कंसर्न होता है सर पेरेंट्स का कि हमने इतने टीचर्स बदल लिए है ना, और बच्चा मतलब मेरा बहुत होशियार है, बहुत अच्छा है, टीचर ही सही नहीं मिल रहा है, तो मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अभी 10th एंड 12th का रिजल्ट निकला, काफी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, कुछ बच्चों का नहीं आया होगा उतना मार्क्स। सो पेरेंट्स फील दैट वेयर इज द प्रॉब्लम, आइदर द प्रॉब्लम इज नॉट विद माई चाइल्ड, दे मे थिंक दैट, और इफ द टीचर्स वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर, तो मार्क्स कम आने का है या पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, तो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन गेटिंग लो ग्रेड्स इन स्पाइट ऑफ द चाइल्ड इज इंटेलिजेंट? बच्चा इंटेलिजेंट है, उसका इंटेलिजेंस अच्छा है, लेकिन वो
मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहा है, तो कहां पर गैप है यहां पर? कैन यू प्लीज हेल्प आउट विद दिस? हां जी, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका ये होता है कि मार्क्स क्यों कम आ रहा है आज के डेट में। आई अंडरस्टैंड, आई गेट योर पॉइंट। अगर ये पहले के जमाने में होता तो मैं बोलता इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था, बट आज के डेट में मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके बाद सबको कॉलेज मिलेंगे, स्कूल्स मिलेंगे, एडमिशन मिलेगा और आपके आगे का चीजें होगा। ओके, और जैसे कि अभी ड्रॉप आउट का थोड़ा सा मूड सवार है लोगों में, कि बड़े बड़े जितने भी हैं सारे ड्रॉप आउट हो गए तो मैं भी ड्रॉप आउट हो जाता हूँ, मतलब गलत कॉन्सेप्ट है। वो ड्रॉप होने के बाद भी पढ़ाई करते हैं। ओके, बिल गेट्स आज में भी साल में 300 बुक्स पढ़ते हैं, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना पड़ेगा मार्क्स में, आपको देखना पड़ेगा चाइल्ड का इंटेलेक्ट, उसके इंटरेस्ट किस जगह पे है। नंबर टू, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे। ओके, जैसे अगर मैं पूछूं, जितने व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, कि मान लीजिए ये जितने भी फिजिक्स के स्टूडेंट है या थोड़ा बहुत साइंस स्टूडेंट है, सिंपल लॉजिक है, मान लो ये है, ये जो पॉइंट है इट इज योर टारगेट। ओके, और ये डिस्टेंस है मान लो ऑलमोस्ट 500 meters, यहाँ पे सीधा आपने एक बंदूक का फिक्स किया। ओके, मतलब जाओगे तो सीधे यहाँ पे जाकर लगेगा। ओके, तो ये जो टारगेट है, यहाँ पे एक बॉल ऐसे लटका हुआ है, ये रस्सी से बॉल लटका हुआ है, तो जिस टाइम आपने ट्रिगर दबाया उसी टाइम पे ये कट कर दिया मैंने, तो ये भी गिरेगा, ट्रिगर भी जाए मतलब बुलेट भी जाएगा, तो क्या ये बुलेट लगेगा बॉल को या मिस कर जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा? जरा आप सोचिए, जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ा हुआ है जरा आप सोचिए। ओके, ये अगर आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स भी कम आएंगे, सब कुछ कम आएंगे। क्या जो खाली पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ही बनता है कि भाई एक बार अच्छे टीचर को दे दो हिसाब से फिर जिम्मेदारी खत्म, या फिर पेरेंट्स भी थोड़ा सा पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं, पेरेंट्स भी कुछ ना कुछ अगर कॉन्सेप्ट बेटे को समझ में नहीं आता है तो वो भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ के खुद से गूगल से सर्च करके देख के पढ़ाई करके उनको हेल्प कर रहे हैं? क्या बीइंग पेरेंट्स हम लोग ये कर रहे हैं? तो अभी जाते हैं कि टीचर के ऊपर, मान लेते हैं बच्चे ने पूरा कॉन्सेप्ट ठीक ठाक समझा, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, टीचर ही खराब है। कोई भी टीचर खराब नहीं होता मेरे हिसाब से, ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क सारे टीचर्स, बट जो अलाइनमेंट है एक दूसरे के साथ वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के ग्रेस्पिंग पावर कम है उस बच्चे के, ओके, मतलब स्पीड कम है, कैचिंग करने का कैपेसिटी कम है, यहाँ से यहाँ तक दिमाग में घुसने का समझने का कैपेसिटी कम है, मतलब स्पीड कम है, बट एक बार यहाँ पे घुस जाता है तो कॉन्सेप्ट प्रॉपरली समझ पाता है। ओके, बट स्पीड सिंस लो है तो उनको हम लोग को एटलीस्ट 5 बार 6 बार 7 बार एक्सप्लेन करना पड़ता है, राइट? वही आपने एक टीचर एम्प्लॉय किया जो टीचर का स्टैंडर्ड नेचुरल स्टाइल है बहुत ही फास्ट पढ़ाना, इम्पेशेंट टीचर है। ओके, तो ये गलत कॉम्बिनेशन आपके बच्चे के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों का सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा, एंड हेंस चाइल्ड बोलेगा कि टीचर खराब है, ये नहीं होता, और टीचर बोलेंगे इनमें दम नहीं है, ये बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता, ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। नो, इन दैट केस आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा तो मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, नोबडी विल डू मेहनत फॉर यू, थोड़ा ये मेहनत आप ये कीजिए कि पेशेंट टीचर ढूंढिए जो उनको अच्छे से स्लोली स्लोली 3-4 बार 5 बार 6 बार 7 बार जितना भी चाहिए रिपीट करके उनको आप कॉन्सेप्ट समझाए, एंड फिर उनको टेस्ट लीजिए आप कि आपको क्या समझ में आया, क्या सीखा आपने, करेक्ट? वो टेस्ट लेने के बाद फिर आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि पहला वाला नहीं समझा, मतलब पहला चैप्टर कर दिया, फिर सेकंड पे पहुंच गए, थर्ड पे पहुंच गए, पहला सेकंड भूल गया, नो। सो एक बार आप पहले का जब 7 सेकंड पे जाइए, फिर पहले का पूछ लीजिए, फिर थर्ड पे जाइए, फिर पहला सेकंड दोनों का पूछिए, फिर फोर्थ पे जाइए, फिर 1, 2, 3, 4 पूछिए, फिर एक टेस्ट लीजिए, एग्जाम लीजिए। ओके, उसके बाद फिफ्थ पे आइए, फिर रैंडमली सवाल पूछिए कि बेटा बच्चा कहाँ से कितना याद रखता नहीं रखता, रैंडमली जैसे क्लास में एंटर करता है बिना बैठे, मतलब ऑफलाइन क्लास है, सेटल भी नहीं हुआ, सडनली सवाल पूछिए, देखिए उनके अनकॉन्शियस माइंड में क्या क्या है, कितना कितना याद रख पा रहा है, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर मान लो कि सडनली आपने कोई भी रूम में घुसा, आपको पूछा आपका नाम बताइए, आप सोचोगे क्या है मेरा नाम, अरे बाप रे क्या डिफिकल्ट, नहीं सोचोगे ना, बिकॉज इट इज इन योर अनकॉन्शियस। वही अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, दैट इज द चेक, तो आप सडनली होके भी, मतलब सडनली किसी ने पूछ लिया तो भी आप जवाब दे सकते हैं अच्छे खास। ओके, और अगर गलती से, नॉट गलती से, अगर उनके बच्चे का जो ग्रासिंग पर है बहुत फास्ट है, उनको आपको इम्पेशेंट लेबरेंट डोमिनेंट टीचर देना पड़ेगा। अगर आपने स्लो टीचर दे दिया, मतलब कोई सीखा तो भी 5 बार एक्सप्लेन करूंगा, नहीं सीखा तो भी 5 बार एक्सप्लेन करूंगा,
तो जो फास्ट है, जो फास्ट लर्नर है, जिनका ग्रास्पिंग पावर बहुत ही फास्ट है, तो ही प्रॉब्लम है। तो आपके बच्चे का जो ग्रास्पिंग पावर है वो टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए। ओके, एक और चीज में मैं आऊंगा, तीन तरीके से कोई भी इंसान सीख सकता है। ओके, एक है देख के, दूसरा है सुन के, तीसरा है प्रैक्टिकल करके। ओके, कुछ कुछ बच्चों को आपने देखा है पीछे बैठ के क्लासरूम में ऐसे करता है, ओके, हम लोग उनको क्या बोलते हैं, चुपचाप बैठो, बिल्कुल आवाज मत करो। उनका नेचुरल स्टाइल है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा, इट इज नेचुरली कमिंग टू देम। अगर वो बंद कर दोगे तो उनका नेचर खराब हो जाएगा। ओके, तो उस वाले बच्चे को आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, हैंड्स ऑन ओरिएंटेड चीजें आपको सिखाना पड़ेगा। आजकल फेसबुक में काफी सारे वीडियोस आ रहे हैं, ओके, कि ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा वाटर, दिखा रहे हैं। ओके, फिजिक्स किस चीज का होता है, प्रैक्टिकल कैसे दिखाओगे आप। लेट मी शेयर वन स्टोरी। एक टीचर ने सारे स्टूडेंट्स को बोला कि अगर आप एक पैर पे 5 सेकंड खड़ा रह पाओ, छोड़ो 5 सेकंड, 3 सेकंड खड़ा रह पाओ, मैं आपको 500 रुपए दूंगा जितनी बार खड़ा। तो सब लोगों ने हाथ ऊपर किया, तो उनको आप सामने लेके आ गए, बोले एकदम दीवार पे आ जाओ, एकदम साइड में, और दीवार मान लो ये है, आपका पैर यहाँ पे रखो, उठाओ दूसरा पैर, जैसे उठ रहा है नीचे आ रहा है, बिकॉज बैलेंस बिगड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, पैर यहाँ पे है, और ये उठा दोगे तो गिर जाओगे ऑटोमेटिकली, 1 सेकंड भी नहीं रह पाओगे। दिस इज कॉल्ड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टीचिंग। मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता, बट इतना तो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है। क्या हम लोग इस टाइप के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, राइट? अगर केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या हम लोग वो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं? जो काइनेस्थेटिक बच्चे हैं, जो कि प्रैक्टिकल करके सीखना चाहते हैं, उनको वो चाहिए चाहिए, नहीं दोगे तो नहीं सीखेगा, एज सिंपल एज दैट। जो ऑडिटरी है, जो सुन के जाते हैं, उनको आपको इंटरेक्शन करके, बोल बोल के, पूछ के, मतलब इट शुड बी इंटरेक्टिव। वो क्लास में बहुत ही कम सीखेंगे, क्लास में मतलब आपके स्कूल में, क्योंकि स्कूल में पूरा दूर से दिखता है। ओके, तो वहां पे इतना डिस्ट्रक्शन, कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कहीं पे आवाज आ रहा है, और जो केनेस्थेटिक वाले बच्चे हैं पीछे बैठ कर ढंग ढूंढ कर रहे हैं, तो कहाँ से पढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे सारे बच्चे ब्रिलियंट हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें केनेस्थेटिक, मतलब जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो चीज बच्चे हैं, और जो ऑडिटरी है, उनके लिए बना ही नहीं है, सारे विजुअल के लिए बना है। और आप सोचते हो मेरा बच्चा बुद्धू है, नहीं लाता है 80%, 90% उनके बच्चों को, फिर आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो, उनके बच्चों को देखो, इनके बच्चों को देखो, तू क्यों नहीं कर रहा, तू, अरे उनको समझो तो सही, क्या है उनके अंदर। बेस्ड ऑन दैट आपको टीचर्स ढूंढने पड़ेंगे। आप बोलोगे टीचर्स कहाँ मिलेगा, ढूंढने पे भी तो भगवान भी मिलता है, सुना है मैंने आप लोगों से, थोड़ा मेहनत कीजिए मिलेगा वहां पे, नहीं मिलता आप अपने आप को रेडी कीजिए उसके लिए, थोड़ा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, क्या करें। हाँ जी राइट सर, सो काफी सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज हमेशा पेरेंट्स की रहती हैं। आई थिंक वी हैव कवर्ड सम ऑफ देयर क्वेरीज एंड यस, सो वी'ल बी गोइंग वंस मोर लाइव नेक्स्ट संडे एंड एड्रेसिंग मोर ऑफ योर कंसर्न्स। पेरेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट टू जॉइन, टू आस्क योर क्वेरीज। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कोई भी क्वेरी जो आपको लगता है आपके बच्चों के लिए। आपका बच्चा शाय है, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, बहुत लोगों से ज्यादा ही मिलता है, या बिल्कुल ही नहीं मिलता, ये भी छोटी छोटी चीजें हैं जो पेरेंट्स को मतलब कंसर्न देती हैं कि मेरा बच्चा बहुत बोलता है। कई पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा कम बोलता है। सो नेक्स्ट संडे अगेन विल बी देयर विद सर एंड ही विल गाइड अस टू मेनी थिंग्स, राइट? एंड yes, and to meet him personally, do join our seminar on 7th August, Sunday 2022 at Sector 9 Dwarka. The details are always displayed on our Facebook page also and Facebook group also, so that you can meet sir personally and you can have one-to-one discussions with him for your concerns. For today we'll just wind up here, and next Sunday 31st July again we'll be meeting. And do let me know more of your concerns, more of your queries. Thank you. Thank you so much, sir, for joining with us and giving your time. Thank you so much. Thank you, sir. Okay.